करने जा रहे हैं कक्षा 6 के बच्चों के साथ एक मजेदार एक्टिविटी। चलिए जानते हैं पदार्थ और उनकी अवस्थाओं को। मान लेके आए हैं? अब आज हम उसको छाटेंगे कि कौन सी वस्तु ठोस है, द्रव है, गैस है, या फिर घुलनशील है, अघुलनशील है, हल्की है, भारी है, कोमल है, कठोर है, या पारदर्शिता के हिसाब से कौन कौन सी वस्तु हमें मिलेगी। सबसे पहले कौन लेके आएगा वस्तु? अच्छा लाओ, देखिए क्या क्या सामान आया। देखिए इनका हाँ, एक सामान आया है कील और एक आई है रुई। अच्छा, ये दोनों चीजें आपको देख के समझ में आ रही हैं, है ना? इसमें पहला क्वेश्चन है पदार्थ की अवस्था, यानी कि ये पदार्थ किस प्रकार का है, ठोस है, द्रव है, गैस है। हमने पहले लिए कील और दूसरा सामान क्या है हमारा? रुई। चलो जल्दी से बताओ जरा पदार्थ की अवस्था। कील कैसा है, ठोस, द्रव, गैस? ठोस। हाँ, कील है हमारा ठोस। ठोस। रुई कैसी है? लेके आया है लहसुन, क्या है? ठोस। ठोस। अच्छा, लहसुन पानी पे तैरेगा कि डूबेगा, हल्का है कि भारी है? कितने लोग कह रहे हैं तैरेगा? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं तैरने वाले। मतलब ये पानी से हल्का है तुम्हारे हिसाब से? चलो देखें, डाल दें। अब चेंज ना करो, अभी तो बता रहे थे कि तैरेगा, देखते क्या होता है। ये तो डूब गया। ये कागज क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है? ठोस है। अच्छा, पारदर्शी है, अपारदर्शी है कि पारभासी है? इसके आर पार बच्चे दिख रहे हैं मुझे, है ना? इसके आर पार चीजें दिख रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पारदर्शी। हल्दी। अच्छा, हल्दी और क्या है? चावल। चावल। चावल को ये बताइए पहले, ठोस है कि द्रव है? ठोस। क्या है वो? ठोस। ठोस। अच्छा, चावल जल में घुलनशील है कि अघुलनशील? चलो जल्दी से डाल के चेक करें फटाफट सब कुछ। चावल, चावल पहले चावल वाला चेक कर लेना। चावल घुल जाएगा, डूबेगा कि तैरेगा? डूबेगा। अच्छा देखें, यानी कि भारी है। ये देखो चावल के दाने डूब गए, इसका मतलब चावल भारी है और अघुलनशील है। अच्छा खोलो भाई पिटारा, क्या आया? चाय पत्ती। चाय पत्ती छूने में कैसी है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है? ठोस। अच्छा, हल्की है कि घुलनशील है कि अघुलनशील है तुम्हारी? घुलनशील। हल्की है कि भारी? देखे डूबती है कि तैरती है? देख लेते हैं अभी हम। डालो उसमें चीनी के दाने। ये देखो भाई, चीनी तो नीचे आ गई, तो ये हल्की है कि भारी? भारी। भारी है। और जब इसको बहुत देर तक पानी में हिलाएंगे तो कुछ देर बाद को हमारी चीनी घुल गई। घुल गई ना? चीनी क्या है? घुलनशील। और इस तरह से हम अलग अलग पदार्थों को ये एक्टिविटी के माध्यम से करा सकते हैं।